जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने पहले महिला के साथ की मारपीट, पीएम आवास तोड़ा, अब रिपोर्ट वापस लेने दे रहे हैं धमकी। श्योपुर जिले के इंदार थाना क्षेत्र के दादूखेड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दबंगई का मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास बनाने को लेकर हुए विवाद पर दबंगों ने पहले एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की, फिर उसके प्रधानमंत्री आवास को तहस नहस कर मौके पर पड़ी हुई निर्माण सामग्री को भर के ले गए। पीड़िता के घटना की रिपोर्ट इंदार थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। लेकिन इसी मामले में अब आरोपी केस वापस लेने और राजीनामा का दबाव बना रही हैं। पीड़िता ने अपने परिवार के साथ इसकी शिकायत शुक्रवार को शिवपुरी पुलिस अधीक्षक को दर्ज कराते हुए आरोपियों से अपनी और अपने परिवार की जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। रिपोर्ट वापस नहीं ली और पीएम आवास उसी जगह बनाया तो तुझे व तेरे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। राजकुमारी आदिवासी ने बताया कि उसका प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था। वह अपना आवास पुश्तैनी जगह पर बना रही थी, तभी गांव के दबंग मुलायम यादव, संजीव यादव, अनवीर यादव निवासी ग्राम दादूखेड़ी थाना इंदार ने आवास बनाने को लेकर उसके साथ मारपीट की और उसके आवास को तहस नहस कर निर्माण सामग्री को भर के ले गए। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने पर अब आरोपी उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने एसपी ऑफिस में आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। आपका राम कुमार, कहाँ से आई हैं? दादूखेड़ी। आज आप एसपी ऑफिस आए, क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है, हमारी कुटीर मिटा दी। किसने मिटा दी कुटीर? यादव मतलब का नाम अनवीर। कहाँ के रहने वाले हैं वो? दादूखेड़ी। तो कुटीर मिटालने का कारण क्या रहा, क्यों मिटाली आपकी कुटीर? जा कह रहे हैं कि हमारा पट्टा है, फिर हमारे जन्म पुराने आज इतरा जी मतलब हमारे मर चुके और अब हमारी सास को क्या उम्र हो गई। तो आप कितने लोगों की कुटीर मिटाल दी? हमारी यही एक ही कुटीर थी। हाँ। मतलब एक ही परिवार से हो आप? और का। तो कैसे मिटाली आपकी कुटीर उनने? बिन लातन से, लठन से, पत्थर से टूट टूट के वो चट के गार दे दे के, और हम पे लठो जा रहा है, मार भी आ रहा है, हमारे बच्चे कह रहे तो बच्ची रिकॉर्डिंग कर रहा है, मोबाइल छुड़ा भी आ रहा है, दो दो कितनी मार दूंगा, और हमसे झूमा झटकी भी भाई, चाटी भी भाई हमसे। कितने ये यादव, कितने लोग हैं टोटल? यादव तो मतलब इनको पूरा परिवार है। तो पूरे परिवार के कितने लोग आए थे आपके पास कुटीर मिटालने के लिए? आपके पास अनवीर आगे, अनवीर फिर मुलाम, एक चपटा, फिर चपटा, एक देशराज, और ये पुरखा ना संदीप, संदीप। तो ये पहले से आपको परेशान कर रहे होंगे ना? हाँ पहले ही से परेशान कर रहे हैं, 8-10 सालों से परेशान कर। हम सरकार को मोना देखना चाह रहे। क्या कहते हैं आपसे? हमसे जाके कहते हैं भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं जान से मार देंगे, काट देंगे। हाँ जी कहते हैं गैल गल यार मार देंगे, हमारे जेठा जी हैं, जेठा की कहते हैं जिनकी टांगे काट देंगे, मार देंगे। क्या कहते हैं? हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, और मेरा छोटो सो बच्चा है, गाड़ी है इसके, जो कहता हूँ चलो जाए गाड़ी लेकर, इसे मार डालेंगे, इसे देखेंगे हम। समस्या है, मारपीट कब करी थी आपको? हमारी खेचा तानी करी थी, कौन सा दिन? आता सोमवार आता। तो आपने आवेदन दिया एसपी सर को, क्या कह रहे थे? अबे गए हैं सुबह लगाओ आवेदन।